गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज फिर से हम और फूफा जा रहे हैं दुर्गा माता के मंदिर पे जो कि डुगरी में स्थित है। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी यहां पर एक सामने एक गुरुद्वारा बना हुआ है, सुखमणी शाह गुरुद्वारा, और हम लोग इधर जा रहे हैं। मतलब इधर साइड में ही दुर्गा माता का मंदिर है। सो गाइज इधर का भी आप लोग सीन देख सकते हैं। इधर एक पार्क छोटा सा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा और सुंदर पार्क है। बाकी गाइज इधर का आप लोग सीन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सीन है इधर का। सो गाइज अभी हम लोग एक पार्क के अंदर आ चुके हैं। मतलब इसी पार्क के अंदर से ही जो है रास्ता है, और ये पार्क मतलब बहुत बड़ा बना हुआ है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। इधर का सीन आप लोग देख लो गाइज, इस पार्क का सीन कुछ इस प्रकार से है। अभी हम मंदिर पे जाएंगे, देख लो गाइस लिखा हुआ है श्री दुर्गा माता मंदिर। मतलब हम मंदिर के गेट के सामने पहुंच, आप लोग देख पा रहे होंगे सीन। तो चलिए इसके अंदर का सीन फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। सो गाइस अभी अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, देख लो गाइस अंदर का सीन कुछ इस प्रकार से है। ये रहा मंदिर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी सीन आप लोग देख लो गाइस। सो गाइज अभी अंदर का जो मंदिर क्लोज है, भाई बता रहे हैं कि 5 बजे ओपन होगा। जब 5 बजे ओपन होगा तब हम लोग अंदर जाएंगे, अभी 4:40 हो रहे हैं। बाकी गाइज मंदिर के बाहर का सीन आप लोग देख लो कुछ इस प्रकार से है। तो अभी जस्ट 5 बजने वाले हैं। तो गाइज अभी मंदिर खुल चुका है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर सीढ़ी वगैरह लगा हुआ है अंदर जाने के लिए। तो अभी गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं फाइनली। तो अंदर का सीन काफ़ी अमेजम है। तो अंदर आपको मंदिर दिख रहा होगा, बाकी आपको इधर का सीन देख लो कुछ इस प्रकार से है। मतलब अंदर से काफ़ी अच्छा सीन है, इधर का भी सीन आप लोग देख लो। इधर बजरंगबली जी की प्रतिमा जो है बनी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए कितना अच्छा मतलब लग रहा है देखने में। तो गाइस ये श्री बजरंगबली जी की प्रतिमा है, आप लोग अच्छे से देख लो। एक हाथ में पर्वत लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में गदा जो है लिए हुए हैं। और बाकी इधर साइड में भी शंकर जी का प्रतिमा है, आइए दिखा दें। ये देख लो गाइस, ये भगवान शंकर जी का प्रतिमा है, इधर आपको देखने को मिल जाएगा। देख लो शंकर जी हैं और उनके बगल में श्री पार्वती जी हैं। और ये देख लो गाइस कुछ इस प्रकार से इसका सीन है, मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है। चलिए गाइस इधर आपको कुछ सीन वगैरह दिखा दे रहे हैं। इधर भी 2-3 प्रतिमा बने हुए हैं अलग अलग। मेन जो है श्री दुर्गा माता जी का प्रतिमा ये है, बगल वाले का दिखा दे रहा हूँ। इधर बगल में भी बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम दरबार। मतलब यहाँ पर राम सीता जी और लक्ष्मण जी का प्रतिमा बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी है श्री राम दरबार। और देख लो तीनों लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोग नज़दीक से देख लो सीन गाइज, काफ़ी अच्छा सीन है। तो गाइज यहाँ पर श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और सीता माता जी हैं, मतलब तीनों लोग साथ में खड़े हुए हैं। और बगल में आप लोग देख पा रहे होंगे श्री हनुमान जी हैं जो कि हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा बहुत बड़े राम भक्त हैं श्री हनुमान जी, और इस पर एक गाना भी बन चुका है, राम न चले हनुमान के बिना और हनुमान न चले राम के बिना, काफ़ी फेमस गाना है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो सुन सकते हैं। गाइज ये देखो श्री दुर्गा माता जी विराजमान हैं, और मेन इन्हीं के नाम पे ये मंदिर का नाम है। तो देख लो गाइज कितना अच्छा इनका प्रतिमा जो है बना हुआ है, और ऊपर का सीन कुछ इस प्रकार से। बाकी सीन आप लोग देख लो, काफ़ी अच्छा है। शेर
के ऊपर बैठी हैं दुर्गा माता जी, और इसके सामने एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ है जो कि बजा सकते हैं, और ऊपर लिखा हुआ है जय माता दी। बाकी आप लोग इसके चारों तरफ का सीन देख रहे हो, और फिर से कुछ इस प्रकार से सीन है। सुबह इधर देख लो श्री राधा कृष्ण, मतलब यहाँ पर राधा जी और कृष्णा जी हैं, मतलब इनकी प्रतिमा बनी हुई है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, और बहुत ही सुंदर है। आप लोग सीन देख लो, मतलब दुर्गा माता जी के बगल में बना हुआ है श्री राधा कृष्ण का प्रतिमा, और उधर साइड में बना हुआ है राम जी की प्रतिमा जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो भाई इधर श्री सूर्यदेव महाराज जी का मंदिर है, आप लोग देख लो सीन, मतलब ये सूर्यदेव महाराज का जो है प्रतिमा जो है मंदिर के बाहर थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर से अटैच है। आप लोग देख लो गाइस, मेन मंदिर उधर है और सूर्यदेव जी की प्रतिमा जो है इधर बना हुआ है, और बाकी इधर भी कुछ सीन है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। बाकी मैंने सारा सीन यहाँ का कवर कर लिया है। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं रूम पर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।